बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कल की वीडियो आखिरी वीडियो जो थी दरशान अक़दस हज़ूर शेख अलैहिस्सलाम वल मुसलमीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से थी, तो उसका दूसरा हिस्सा पेश करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। तो दोस्तों, गौर से वीडियो को समाअत फरमाइएगा। आपका इस्मे गिरामी बाफरमान हज़ूर शेख अलैहिस्सलाम, बाफरमान खुद हज़ूर शेख अलैहिस्सलाम वल मुसलमीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के हज़ूर पीर पठान आला हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह तौसीफ़ी गरीब नवाज ने आला हज़रत पीर सियाल हज़रत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रदी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया कि मौलवी साहब, आपके ख़ानदान में चौथी पुश्त में एक बाकमाल शख्स होगा, उसका नाम मोहम्मद कमरुद्दीन रखना। फिर आपने फरमाया कि मेरे दादा जी हज़रत सानी लासानी ख्वाजा मोहम्मद दीन साहब सियालवी रदी अल्लाह ताला ने मेरे चचा जान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की विलादत बासादत के मौका पर हज़रत ख्वाजा शाह अल्लाह बख्श तौसीफ़ी करीम ज़ात रदी अल्लाह ताला ने की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, हजूर हमने इस बच्चा का नाम मोहम्मद कमरुद्दीन रखा है, दुआ फरमाएँ। तो हज़रत ख्वाजा करीम ज़ात तौसीफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा फरमाया कि इस बच्चा का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखो, मोहम्मद कमरुद्दीन नामी बच्चा बाद में आएगा। इस तरह आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें मुबारक आपकी विलादत से पहले हजूर पीर पठान ने मोहम्मद कमरुद्दीन रखा था। आपकी तालीम व तरबियत बाफरमान अक़दस खुद हजूर शेख उल इस्लाम वल मुसलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हज़रत सानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद दीन शैलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आगोश तरबियत में रहे। दो रजबुल मुरजब सन 1327 हिजरी सन ईस्वी 1909 में हज़रत सानी रदी अल्लाह ताला का विसाल हो गया। उसके बाद आपकी तरबियत की जिम्मेदारी आपके वालिद ग्रामी मुजाहिद आज़म हज़रत सालिस रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मा थी। बुजुर्गान चिश्त रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फरमान के मुताबिक हस्ब मामूल तालीम की इब्तदा 4 साल 4 माह और 10 दिन की उम्र में आपने कुरान मजीद अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ करीम बख्श साहब साकिन मौज़ापोला सियाल शरीफ से गरबी जानब वाक़ है, जहाँ आला हज़रत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत हुई, वहाँ से पढ़ा। आप 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। आपकी बैत बाफरमान अक़दस खुद हजूर शेख उल इस्लाम वल मुसलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मेरी बैत हजूर पीर पठान रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हामिद साहब तौसीफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। आपकी दीनी तालीम बाफरमान अक़दस खुद हजूर शेख उल इस्लाम वल मुसलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मैंने अपनी इब्तदाई दीनी तालीम मकामी तौर पर आस्ताना आलिया पर कायम दारुल उलूम ज़िया शम्सुल इस्लाम सियाल शरीफ में हासिल की। आपके असातिज़ा इकराम जिन असातिज़ा इकराम से दीनी तालीम हासिल करने के लिए आपने शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया, उनके इस्माए ग्रामी ये हैं। नंबर 1 मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जंग से, नंबर 2 मौलाना मोहम्मद मिठा साहब ऑफ डेरा गाजी खान, नंबर 3 मौलाना जान मोहम्मद साहब ऑफ सरगोदा, नंबर 4 मौलाना मोहम्मद दीन साहब, नंबर 5 मौलाना मोहम्मद हफीज़ुल्ला साहब मुजफ़रगढ़। आपके वालिद ग्रामी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको दरस निज़ामिया की तालीम मुकम्मल करने के बाद इल्म माकूलात, इल्म रियाजी और इल्म हदीस की तकमील के लिए मदरसा जामिया मोइनिया अजमेर शरीफ में हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दाखिल कराया। आपने अभी इल्म हदीस मुकम्मल नहीं किया था कि आपके वालिद ग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको ख़त लिखा कि जितना जल्द मुमकिन हो घर वापस आ जाएं। आपने अपने उस्ताद मुकर्रम को ख़त पढ़ाया तो उन्होंने फरमाया कि साहिबजादा साहब, आप बेशक घर तशरीफ़ ले जाएं, मगर आपकी तकमील तालीम के सिलसिला में मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला आस्ताना आलिया सियाल शरीफ हाजिर हूँ। आप वापस घर तशरीफ़ लाए और बाद में हसब वादा हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ हाजिर हुए।
और हजूर शेख उल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हो की बकिया इल्म हदीस की तकमील फरमाई। आपकी सज्जदा नशीनी 13 मुहर्रम अल हराम 1347 हिजरी ब मुताबिक सन ईस्वी 1929 आपके वालद ग्रामी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मसनद सज्जादगी पर मुतमकन हुए। इस अजीम अलमिया में आपने मखलूक खुदा की रूहानी खिदमत तो तरबियत फरमाई और दुखी दिलों को तस्कीन और सहारा दिया और शफकत और प्यार से अपने वालद ग्रामी के परेशान हाल ग़ुलामों को की दिलजोई फरमाई और मखलूक खुदा को फैज़ बख्शा। आपकी मामूलात शब रोज़ आपके वालद ग्रामी रदी अल्लाह तआला के विसाल मुबारक के बाद हसब मामूल पीर भाइयों की आमद रफ्त का सिलसिला जारी रहता था। आप तमाम पीर भाइयों के क़याम व ताम दारुल उलूम ज़िया शम्सुल इस्लाम की सरपरस्ती तबलीगी और इस्लाही दौरों को आपने अव्वलीन तरजीह दे रखी थी। तमाम ज़रूरी मसरूफियात के बावजूद आपने बाज़ाब्ता तौर पर तौसा एकदस की हाज़िरी को अपने लिए फरीज़ा अव्वल समझा हुआ था। आपका मामूल था कि रात को तादेर आस्ताना आरिया पर बंगला शरीफ में तशरीफ़ रखते थे। अक्सर औकात महफिल में बुजुर्गान चिश्त अहले बेश्त रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मलफूजात ग्रामी फरमाते थे और देर से आस्ताने पाक पर हाज़िरी होने वाले पीर भाइयों और ग़ुलामों की हौसला अफजाई फरमाते थे। ये आपकी करामत थी कि आपकी महफिल से कभी किसी पीर भाई का उठ के जाने को जी नहीं चाहता था। इस वीडियो का तीसरा हिस्सा कल हाजिर खिदमत करेंगे, तो वीडियो को गौर से देखें, सुने और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।